नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक यूनिवर्स और मैं हूं आपका दोस्त कुशल शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी ऐप के बारे में नहीं दोस्तों, वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके वेबसाइट को, इस वेबसाइट का नाम है एल्गोरिदमिया, डेमोज एल्गोरिदमिया .com, ये वेबसाइट है। इस पे आप जाके यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं जहाँ पर आपका फ़ोटो है, लिंक डाल सकते हैं मतलब, या फिर आप अपने गैलरी में जाके अपलोड पे क्लिक करके गैलरी में जा सकते हैं और फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से फ़ोटो यहाँ लोड हो जाएगा वेबसाइट पे और उसको कलर कर सकते हैं आप। जैसे मैं देख सकते हैं कि आप, मैं गैलरी में जा चुका हूँ। गैलरी में जाने के बाद आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होना चाहिए, किसी पुराने फ़ोटो का आप फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर अगर डिजिटली स्टोर्ड है आपके पास तो डिजिटली ले सकते हैं, या फिर आप किसी ऐप की मदद से ब्लैक एंड वाइट बना के उसे भी कर सकते हैं कलर में। तो हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ये वेबसाइट पे लोड हो जाएगा और यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप रिफ़्रेश करके हिस्ट्री सब क्लियर करके दोबारा से ओपन करके दोबारा करें कोशिश, ये दोबारा हो जाएगा। इस ऐप की मदद से आप अगर किसी फ़ोटोग्राफी की दुकान पे जाते हैं तो आपसे बहुत पैसा लेता है वो ब्लैक एंड वाइट को कलर करने में, लेकिन आप इसे ब्लैक एंड वाइट को कलर करके उसके पास ले जाइए और आपको वो कलर फ़ोटो सीधा निकाल के दे देगा प्रिंट करके, प्रिंटर की मदद से, या फिर आप चाहते हैं कि लेब में बने तो आप लेब में बनवा सकते हैं जो जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन हाथों हाथ मिलने वाले की क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती है। देखिए दोस्तों, एक कलराइज फ़ोटो सामने आ गया है। एक तरफ है, लेफ्ट साइड में है ब्लैक एंड वाइट और राइट साइड में है कलर्ड। आप इस पर टैप करके, ये लाइन आ रही है इधर उधर, टैप करके आप देख सकते हैं कैसा लगेगा ये फ़ोटो, और आप इस फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि कलर और ब्लैक एंड वाइट में क्या अंतर है। वो तो साफ दिखता ही है, लेकिन आप उसको भी डाउनलोड करना चाहिए तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट लगी है मुझे, बहुत ही अच्छी है। ना किसी ऐप की ज़रूरत है जो कि आपकी फ़ोन की स्टोरेज को भी खा जाता है, रैम को भी खा जाता है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैंने इसे अभी कैंसिल किया है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे देख सकते हो और फोटो फोटो स्टूडियो में जाके निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए टेक यूनिवर्स। थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।